हेलो एवरीवन वेलकम टू रक्षा एकेडमी फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन यूट्यूब एज वेल एज इन एप्लीकेशन इन विच वील कवर द यूनिट वन ऑफ पेपर फॉर एथिक्स विच इज एथिकल थिंकर्स इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सावित्री बाई फोले सो बिफोर मूविंग टूवर्ड द लेक्चर फर्स्ट वील डिस्कस द न्यूली एडेड थिंकर्स इन द सिलेबस तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बार जब एम पी का सिलेबस जो चेंज हुआ है

चेंज सिलेबस हो गया है ट्वेंटी ट्वेंटी का जो है उसमें सोकराट्स जो है वो एड किया गया है आचार्य शंकर जो है न्यूली एडेड है चारवाक साथ में ही आप देखेंगे सावित्री बाई फुले ठीक महर्षि अरविंद इतने जो है थिंकर्स अभी न्यूली एडेड हैं बाकी अगर हम देखें प्लेटो अरिस्टोटल महावीर बुद्ध गुरु नानक कबीर तुलसीदास रविन्द्र टैगोर राजा राममोहन रॉय ये सब जो है वो हम पहले क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं कब 2019 के सिलेबस में ठीक है अब हम देखते हैं सबसे पहले अगर हमें यहां पे पढ़ना है सावित्री भाई फुले के अगर हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर बाकी के थिंकर्स को भी आप देखेंगे तो इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं वो भी एथिक्स के पोर्शन में इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी पर्सनैलिटीज यहां पर दिए गए हैं वो अपने टाइम पे एक हम बोल सकते हैं एक उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो है से काफ़ी लोगों को और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया था और जितनी भी हम बोल सकते हैं कि एट्रॉसिटीज थी चाहे वो पॉलिटिकल हो सोशल हो इकोनॉमिक हो तो जितना भी हम देख सकते हैं एट्रॉसिटीज़ थी उनके खिलाफ इन्होंने वर्क किया था तब जाके क्या हुआ है कि इन लोगों की आइडियोलॉजी या फिर इन लोग की जो थिंकिंग थी उससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए थे और इनको फॉलो करना शुरू किया था इसलिए हमें क्या है एथिकल वे में इनको पढ़ना है ताकि हम क्या कर स सकते हैं कि इनके जो वैल्यूज हैं उनको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जब हम अभी अपने जॉब पे जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो वहां पे हमें एथिकल जो वैल्यूज हैं वो इन्हीं से ही सीख के जाना है ठीक है तो यही जो है हमारे भी क्या बोल सकते हैं पर्सनालिटी में आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आप इन्हीं से इनको पढ़ के इनकी वैल्यूज को देख के इनके जो मॉरल प्रिंसिपल्स थे इनके हम जो बोल सकते हैं कि इनकी इंटीग्रिटी हो गई ठीक है ने ही जो वैल्यूज दी हैं उन सबको मिला के एक हमारी पर्सनालिटी में भी वो सारे चेंजेस लेके आना है ताकि हम भी सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट कर पाए और उस तरह से हम जो है मॉरली वर्क कर पाए इसलिए जो है आपको एथिक्स में ये पोर्शन ऐड किया जाता है जिससे हम क्या करते हैं कि इन लोगों को एज एन एग्जाम्पल पढ़ते हैं और इनसे सीख के अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज लाते हैं ताकि हम क्या कर पाए एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर या बेहतर ब्यूरोक्रेट बन पाए आगे जाके ठीक है तो आज जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहले सावित्री बाई फोले के बारे में तो सावित्री बाई फोले के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन में अगर हम देखा जाए तो बोला जाता है कि ये फर्स्ट फीमेल टीचर थी कहा की इंडिया की ठीक है अब फर्स्ट फीमेल टीचर इनको क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी एक स्टोरी है वो मैं आप बताऊंगा आपको सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि इनका जो बर्थ है वो आपको दिख रहा होगा कि 1831 में हुआ है ठीक है 1831 में इनका बर्थ हुआ है तो उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि जो 1857 की हमने रिवॉल्ट देखा था तो उसमें हमने कॉजेस क्या क्या देखे थे उसमें सोशल कॉजेज का अगर देखते हैं तो वहां पे आपको सती ठीक है विडो रीमैरिज इस टाइप के आपको वहां पे सोशल कॉज देखने को मिले थे मतलब अगर हम बात करें तो एटीन का अगर जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे जो हम सोशल कंडीशन हमारे इंडिया की थी उसमें वुमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी ठीक पहली बात अब यहां से आप देखोगे इनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया बोला जाता है तो यहां पे इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उस पीरियड में इन्होंने क्या किया था स्कूल्स खोले थे गर्ल्स के लिए और वुमेन के एम्पावरमेंट या फिर वुमेन एजुकेशन के लिए काफी वर्क किया था जो इनके हस्बैंड थे हम डिस्कस करते हैं उनको भी तो इनके जो हस्बैंड थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें हिस्ट्री में अपने जिसमें हम राजा राम मोहन रॉय ईश्वर चंद विद्यासागर दया सरस्वती ज्योतिराव फुले इनके बारे में पढ़ते तो इनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले अब ज्योतिराव फुले के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया था सत्यशोधक समाज जो है उसकी स्टेब्लिशमेंट करी थी और फिर वही हम सत्यशोधक समाज को पढ़ते हैं उस टाइम पे हिस्ट्री में अपने ठीक है तो मूविंग ऑन अब यहां पे आप देखिए सावित्री बाई फुले को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट या फिर सोशल रिफॉर्मर के नाम पे आगे आएंगी फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट या फिर सोशल रिफॉर्मर क्यों बोला जाएगा क्योंकि हम जैसे देखते हैं राजा राममोहन रॉय को हम फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं तो उसके पीछे रीजन्स हैं काफी उन्होंने क्या किया था उन्होंने सती प्रथा जो है वो बंद करवाई थी एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने काम किया था ठीक है साथ में ही चाइल्ड मैरिज को रोका था तो जितने भी हम बोल सकते हैं सोसाइटी में जो कितने माल फंक्शनिंग चल रही थी सोसाइटी में उसके खिलाफ उन्होंने शुरुआत करी थी तो ऐसे ही अगर हम देखें तो सावित्री बाई फुले ने क्या किया है सावित्री बाई फुले ने वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया था इसलिए इनको फर्स्ट मॉमन मॉडर्न फेमिनिस्ट बोला जाता है और सोशल रिफॉर्मर्स एज अ सोसाइटी इन्होंने भी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट किया था अब इनको जाना जाता है फर्स्ट फीमेल टीचर से फर्स्ट फीमेल टीचर से इसलिए जाना जाता जो थी, वो काफी थी। तो जब ये 31 में, तो में शादी करा दी जाती है ज्योतिराव फुले से तब ये 9 या 10 साल की थी ठीक है अब यहां पे 10 साल में देखते हैं तो जब इनकी शादी हुई थी तब ज्योतिराव फुले जो थे वो तेरह साल के थे ये दोनों जो कपल की अगर हम बात करें तो ये तो थे वो कास्ट वाइज जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी वहां पे उस टाइम पे प्रेवलेंट था तो इनकी जो कास्ट थी वो लोअर कास्ट में आते थे ठीक है और अगर हम 1830s या 1800 के टाइम की बात करते हैं तो एजुकेशन जो वर्ड था वो सिर्फ लिमिटेड था अपर कास्ट मेन के लिए मतलब अपर कास्ट वुमेन को भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता था ठीक तो ज्योतिराव फोले को अगर हम देखते हैं तो ज्योतिराव फोले पहले से ही हम बोल सकते हैं एजुकेशन में उनको काफी इंटरेस्ट था तो उसी के साथ में ज्योतिराव फोले ने सावित्री को भी क्या किया पढ़ाना और लिखाना शुरू किया तो ज्योतिराव वॉज द टीचर ऑफ सावित्री बाई फोले हु टॉट हर रीडिंग एंड राइटिंग अब होता क्या है कि जब यहां पे आप देखोगे कि एक ये दोनों लोग रीडिंग और राइटिंग जो कर रहे हैं ये सोसाइटी टर्म्स में अगर हम देखा जाए तो ये उस टाइम पे काफी गलत था तो जिसके कारण क्या होता है ज्योतिराव फुले के जो फैमिली है वो भी इनको क्या कर देती है एक तरह से निकाल देते हैं ठीक फिर तब ये जो कपल है वो हार नहीं मानता और ये पहली एक स्कूल जो है गर्ल्स स्कूल शुरुआत करते हैं तो जब गर्ल्स स्कूल की जब शुरुआत होती है पहली तो वहां पे उसके लिए टीचर्स नहीं मिलते टीचर्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि यहां पर पहली बात तो ये लोअर कास्ट का जो कपल है उसने स्कूल ओपन करी है और ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्कूल ओपन करी थी तो वहां पे आप देखोगे कि सावित्री बाई जो थी वो पहली टीचर यहां पे बनी थी इसलिए इनको इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर जो है वो बोला जाता है और आगे जाके इन्होंने और भी स्कूल्स खोले और क्या होता है इनको एक तरह से हम बोल सकते हैं फर्स्ट फीमेल टीचर या फिर सोशल रिफॉर्मर जो है हम इनको बोला जाता है आगे बढ़ते हैं अब जब हमने देख लिया इनके बारे में इनके थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से इन्होंने क्या काम करे होंगे अब हम आगे और देखेंगे इनके मॉडर्न वर्क्स को देखेंगे एथिकल टर्म्स को भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सावित्रीबाई बाई फुले का अभी जो है इंडिया में अगर हम इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम पे देखें तो उनका क्या रिलेवेंस है ठीक है ये भी हम अभी देखेंगे और साथ में ही हम इनके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे तो इनके ऊपर अगर जो क्वेश्चन आएगा तो मेनली यही आएगा कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सावित्री बाई फोले को आएगा एक चीज और बहुत अच्छी नोटिस करने की है आपको कि जब 2019 का अगर हम सिलेबस देखते हैं जिसमें जितने भी थिंकर्स थे उसमें कोई वुमेन थिंकर नहीं थी ठीक है इस बार जो है वो सावित्री बाई फोले बस हैं जो कि एक वुमेन थिंकर हमें सिलेबस में एडेड है तो इनसे क्वेश्चन बनना एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री को अगर हम देखें तो इनका जो बर्थ है वो नयागांव में हुआ था महाराष्ट्र में 1931 में ठीक है डिस्ट्रिक्ट जो है वो सतारा लगता है तब वहां पे इनका बर्थ हुआ था इनकी जो है मैरिज हो गई थी जैसे मैंने बताया आपको ज्योतिराव फुले से हुआ था जब ये नौ साल की थी अचीवमेंट्स और सावित्री बाई फुले के अगर हम अचीवमेंट्स या रोल के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें तो हम जो है पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाएंगे पर आपको एक चीज यहां पे ये समझनी है कि सावित्री बाई फुले को हम पढ़ इसलिए रहे क्योंकि जो वुमेन की कंडीशन थी उस टाइम पे उसके साथ साथ जो पूरी सोशल कंडीशंस थी उसके खिलाफ भी ये क्या है सावित्री भाई खड़े हुई थी और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन के लिए आगे आई थी तो हम देख सकते हैं कि उस टाइम के बाद में ही क्या हुआ था कि वुमेन एजुकेशन जो है वो लोग प्रोवाइड करवाने लग गए थे और जो वुमेन की कंडीशन थी वो थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हुई थी क्योंकि इनके हिसाब से एजुकेशन ही जो है सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं अच्छा टूल है सोसाइटी को चेंज करने के लिए अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन या हम देखते हैं तो उनके साथ में बहुत सारी स्टोरी जुड़ी हुई होती है तो वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे जब इन लोगों ने स्कूल जो है वो ओपन किया था पहला ओपन किया था इन्होंने 1848 में ठीक है बिड़ेवाड़ा पुणे में पहला स्कूल खोला गया था गर्ल्स के लिए इसी स्कूल जब इन्होंने ओपन किया था उसके बाद में ही क्या कर दिया गया था कि इनको निकाल दिया गया था घर से ठीक फिर इन्होंने हार नहीं मानी और एक और स्कूल ओपन किया और ऐसा ही करते करते आप देखोगे कि इन्होंने 18 स्कूल जो है वो ओपन कर दिए थे साथ में ही गर्ल्स के लिए तो ओपन करे ही थे दलित्स के लिए अनटचेबल्स के लिए भी ओपन करे थे इनके स्कूल में हर कोई एडमिशन ले सकता था मोस्ट प्रोविलेंट जो थे वो गर्ल्स और दलित्स के लिए ओपन किया गया था अचीवमेंट की बात हम करेंगे तो यहां पे आपको ये देखना है कि 1848 में इनका जो था जो शुरू में अगर इन्होंने हम देख रहे हैं जो पहली स्कूल ओपन करी थी तब आठ लड़कियां जो थी एडमिशन लिया था सिर्फ एट गर्ल्स ने एडमिशन लिया था 1851 फिफ्टी तीन साल बाद ही ये गर्ल्स की जो नंबर है वो हो गया था 150 फिफ्टी ठीक है तो मतलब आप देख सकते हैं कि आठ लड़कियों से वन नंबर हो जाना काफी बड़ी बात होती है उस टाइम पे जब वुमेन एजुकेशन को सही नहीं माना जाता था ठीक है वुमेन्स को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था उस टाइम पे वुमेन अगर पढ़ रही है एजुकेशन ले रही है उस टाइम पे इतने सारी वुमेन आ जाना गर्ल्स का एजुकेशन हो जाना बहुत बड़ी बात थी ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं और साथ में ही देखोगे कि एक पुणे का ही जो हम बोल सकते हैं रिपोर्ट आती है उसमें बताया गया था कि 1852 में 1852 में ज्योतिराव फुले जो है उनकी स्कूल में गर्ल्स की संख्या इतनी ज्यादा थी तो उसको हम अगर कंपेयर करें तो वो टेन टाइम्स थी किससे गवर्नमेंट स्कूल में जितने नंबर ऑफ बॉयज थे एज कंपेयर टू देम मतलब इन 1852 नंबर ऑफ गर्ल्स इन ज्योतिराव फुले स्कूल वाज टेन टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द गवर्नमेंट स्कूल तो ये एक काफी बड़ा अचीवमेंट जो है वो इनका हुआ था फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे इन्होंने ही क्या किया था टीचर का ट्रेनिंग कोर्स भी लिया था अब जब यहां पे ज्योतिराव फुले ने इनको पढ़ाना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि जो सावित्री भाई है उनका काफी इंटरेस्ट है किसमें टीचिंग में भी तो इन्होंने ही क्या किया सावित्री भाई को टी... ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाला जहां से इन्होंने क्या किया ट्रेनिंग का शुरुआत करी टीचर्स को किस किस तरह से पढ़ाया जाता है इन्होंने ये सीख के आई थी वहां से ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो अमेरिकन मिशनरी चलाते थे अहमदनगर पुणे में ठीक है फिर ये वापस आई और पुणे में महरवाड़ा में इन्होंने टीचिंग जो है वो शुरू करी अब जब 1849 में जब 1848 में इन्होंने स्कूल खोला था तो इनके जो सोसाइटी है वो इनके काफी अगेंस्ट थी तो काफी अगेंस्ट होने के बाद में आप देखेंगे कि जो ज्योतिराव फुले के पेरेंट्स थे उन्होंने भी क्या कर दिया था इनको बाहर कर दिया था कि आप हमारे साथ में अब नहीं रह सकते क्योंकि सोसाइटी जो है इनके अगेंस्ट थी तो पूरा उनकी फैमिली को भी खतरा होता था इस चीज से तब इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के ये जो है अपने फ्रेंड के साथ में रह, उनके घर पे चले गए जिनका नाम क्या था उस्मान शेख था उस्मान शेख ने ही क्या किया इनको अपनी प्लेस ऑफर करी और वहां पे ही इन्होंने क्या किया स्कूल को ओपन किया था जो उनका नेक्स्ट स्कूल था यहां पे आप देखोगे उस्मान शेख में ही उन्हीं के साथ में उनकी जो सिस्टर थी फातिमा बेगम वो भी क्या थी वो एजुकेटेड वुमेन थी उस टाइम पे मतलब वो पढ़ी लिखी थी उस टाइम पे और वो और सावित्री बाई दो मिलकर क्या करने लग गए एक स्कूल जो है उसको चलाने लग गए तो हम देखते हैं कि फातिमा शेख जो है वो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर कहलाती है कहां की इंडिया की ठीक है तो यहां पे आपने सिर्फ अभी ये देखा कि इन्होंने अर्ली लाइफ के बारे में हमने जाना कि सावित्री बाई की अर्ली लाइफ कैसी थी और इन्होंने स्कूल वगैरह जो है वो ओपन किए थे साथ में ही अगर हम देखते हैं वुमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जब ये उस टाइम पे जाती थी पढ़ाने के लिए तो वहां पे क्या होता था कि ये एक साथ में साड़ी एक और एक्स्ट्रा कैरी करके लेके जाती थी अब ये साड़ी एक्स्ट्रा क्यों कैरी करके लेती जाती थी क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरी सोसाइटी जो थी वो अगेंस्ट थी वुमेन एजुकेशन के और ये क्या कर रही थी वुमेन एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी तो जब ये अपने घर से स्कूल तक के लिए जाती थी तो क्या होता था लोग इन पे पत्थर फेंकते थे गार्बेज फेंकते थे ठीक है गालियां बकते थे तो इस तरह से जब तक ये स्कूल पहुंचती थी तो इनकी पूरी साड़ी गंदी हो जाती थी ठीक है जो भी लोग चीजें फेंकते थे उसके कारण फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी तो यहां से हम एथिकल वैल्यूज क्या सीख सकते हैं कि टॉलरेंस ठीक है इन्होंने ही अपना पेशेंस टॉलरेंस ये सारी वैल्यूज जो है सावित्री बाई से हमें सीखनी चाहिए कि अगर आप देख रहे हो पूरी की पूरी सोसाइटी आपके अगेंस्ट खड़ी है आप एक दिन स्कूल जा सकते हो दो दिन जा सकते हो पढ़ाने के लिए पर इन्होंने पूरी लाइफ टाइम जो है इनका ये चीज कैरी करके रखी ठीक है पूरी की पूरी सोसाइटी अगेंस्ट थी पूरी पैट्रियार थी वहां पे सोसाइटी में वुमेन एजुकेशन को अच्छा नहीं माना जाता था फिर भी ये क्या करती थी रोज जो है इतने सारी चीजें सहने के बाद भी स्कूल तक पहुंची थी और वहां पे साड़ी चेंज करके फिर से बच्चों को पढ़ाती थी इन्होंने ही क्या किया जो बच्चे वहां पर अब हालत तो पूरे देश की गरीबी में थी तो जब देखते थे कि बचपन से ही क्या करते थे बचपन से ही बच्चे जो हैं वो काम पे लग जाते थे ताकि कुछ पैसा वगैरह इनको मिलना लग जाए तो इन्होंने ये चीज शुरू करी कि अगर जो गर्ल्स हैं वो स्कूल आएंगी पढ़ने के लिए तो उन लड़कियों को स्टाइपेंड दिया जाएगा मतलब ये पढ़ने के पैसे देने की इन्होंने शुरुआत करी इससे क्या होगा कि जो गर्ल्स हैं वो काम पे जाने की जगह क्या करेंगी आके पढ़ेंगी ताकि पढ़ने के बहाने उनको पैसा भी मिल जाए इनका मेन मोटिव तो यही था कि जो गर्ल्स हैं उनका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए एक और चीज इनसे इंटरेस्टिंग जुड़ी हुई है कि सावित्री बाई फुले ने ही कॉन्सेप्ट शुरू किया था किसका पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जिसमें स्कूल में चिल्ड्रन के क्या होते थे पेरेंट्स आते थे और उनसे टीचर्स जो है वो उनको अवेयर करते थे कि वुमेन एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सावित्री बाई फुले ने ही शुरुआत करी थी 1850 में अगर हम देखते हैं तो फुले जो कपल था पूरा ठीक है सावित्री भाई और ज्योतिराव फुले इन्होंने एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो ओपन किया था तो 1850 में आप देखोगे नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में खोली गई थी और द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ माहर्स मंग्स एंड एक्टेटरस जो है ये जो है पूरे हम बोल सकते हैं दलित की सब कास्ट होती है उनको ही प्रमोट करने के लिए उनके एजुकेशन के लिए ये दो एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो ओपन करे गए थे जो सावित्री बाई फोले ही अगर हम लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी अगर इनको देखें तो ये मराठी पोएट भी थी ठीक है इनकी ये जो है पोयम वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसमें अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पे क्या लिखा है जाओ जा जाकर पढ़ो लिखो बनो आत्मनिर्भर बनो मेहनती ठीक है आत्मनिर्भर जो अभी यहां पे हम देख रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में ये वर्ड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आत्मनिर्भर तो आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ रिलायंस की बात ये तब से कर रही है ठीक है जिसमें इनका कहना था कि जो एजुकेशन रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हो ठीक है आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है इनका कहना है कि काम करो और ज्ञान इकट्ठा करो ज्ञान के बिना सब खो जाता है ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं इसलिए खाली ना बैठो और जाकर शिक्षा लो तुम्हारे पास लिखने का सुनहरा मौका है इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ो ठीक है तो यहां पे आप देखोगे कि एजुकेशन जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है इनके लिए आगे बढ़ते हैं अपन सावित्री बाई फोले पे तो इन्होंने ही क्या किया था सत्यशोधक समाज जो है वो उसकी स्टेब्लिशमेंट तो ज्योतिराव फुले ने करी थी पर आप देखते हैं कि पहले जो चेयरमैन थे वो ज्योतिराव फुले खुद थे सोसाइटी के जब उनकी डेथ हो जाती है 1890 में उसके बाद में सावित्री बाई फोले जो है वो उसकी चेयरमैन बनती है ठीक है सत्योशोधक समाज को अगर हम देखें तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोसाइटी फॉर ट्रुथ सीकिंग ये कब हुई थी 1873 डेट याद रखना है हिस्ट्री में और यहां पे दोनों तरफ इंपॉर्टेंट है ये खोली गई थी कहां पे पुणे में पर्पस क्या था सत्यशोधक समाज का कि ये जो है सोसाइटी काम करेगी किसके लिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किसके लोअर कास्ट और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट ये जो है पूरी समाज जो है वो खड़ी होगी स्टैंड लेगी डाउरी सिस्टम को एंड करना था इनको जो भी माल प्रैक्टिस चल रही थी वुमेन जो रीमैरिज होती है विडो री ठीक है उसको प्रमोट करना था साथ में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड फीमेल फर्टिसाइड होता था उसके अगेंस्ट में ये जो है समाज काम करती थी साथ में ही हम देखते हैं जो सावित्रीबाई बाई फोले हैं उन्होंने महिला सेवा मंडल जो है 1852 में शुरुआत करी थी हम ये सारे जो इनके वर्क अभी पढ़ रहे हैं इस क्योंकि इन्हीं से हम क्या करेंगे एथिकली इनको कनेक्ट करेंगे कि आज के टाइम पे रेलिवेंट क्या रख रहा है हम जो देख रहे हैं जितने भी हमें एथिकल थिंकर्स पढ़ने हैं उन सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश के लिए अब उन्हीं से हमें क्या करना है सीखना है इस पर आप देखोगे महिला सेवा मंडल जो है एटीन में शुरुआत हुई थी तो ये किसके लिए बनाया था टू रेज द वुमेन्सिल कॉन्शियसनेस अबाउट ह्यूमन राइट डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड सोशल इशूज फिर फर्स्ट एवर इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम जो है इन्होंने बनाया था जिसका नाम क्या था बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह ठीक है अब होता क्या था उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज प्रेविलेंट थी और ऐसा भी होता था कि काफी बड़े एज डिफरेंस में भी शादी होती थी कि सपोज लड़की जो है वो पंद्रह से सोलह साल की है उसकी शादी हो गई किसी साठ से पैंसठ साल के आदमी से ठीक है अब उसकी एज तो इतनी ज्यादा हो नहीं पाती थी तो अब जब उसकी डेथ हो जाती थी मेल की तो जो फीमेल रहती थी उसके ऊपर जो पूरी सोसाइटी है वो काफी अत्याचार करती थी एट्रोसिटीज करती थी ठीक है और ऐसा भी होता था कि वो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाए अब उसको देखने वाला तो कोई है नहीं उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो ऐसे टाइम पे वो जो वुमेन रहती थी वो सोसाइटीज की एट्रोसिटीज से बचने के लिए अपने अंदर के जो इन्फेंट है उसको मार दिया करती थी ठीक है तो इसीलिए इन्होंने क्या किया इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम की करी क्योंकि ये सब चीजें जो थी वो काफी थी वहां पे काफी बड़े अमाउंट में आप देखोगे कि इन्फेंटिसाइड को मारा जाता था ठीक है तो यहां पे इन्होंने क्या किया बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह बनाया जिसमें वो क्या करती थी जो भी एक्सप्लोइटेज वुमेन रहती थी उनको सहारा देती थी कि आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपका कोई भी नाम या वगैरह जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा सावित्री बाई फुले ने ही क्या किया चाइल्ड मैरिज और सपोर्ट किया किसके लिए विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने कैंपेन करी अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज और सपोर्ट शुरू किया किसका विडो रीमैरिज का 1873 में इन्होंने फर्स्ट विडो रीमैरिज भी करवाई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब एक और इंसिडेंट है कि 1890 में अगर देखे हैं तो सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले का अगर हम देखते हैं तो इनके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं थे तो इन्होंने ही एक बॉय को अडॉप्ट किया था जिसका नाम रखा उन्होंने यशवंत राव यशवंत राव जो है आगे जाके वो डॉक्टर बनते हैं पढ़ा लिखा के इनको ठीक है फिर साथ में ही आप देखोगे जब ज्योतिराव की डेथ हो गई थी तो उनके जो फ्यूनरल था उसको अग्नि या फिर जो हम बोलते हैं मुख अग्नि के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था क्योंकि उनके खुद के चिल्ड्रन तो थे नहीं और यशवंत राव दे नहीं सकते थे क्योंकि ही द सन ऑफ देम ठीक है तो इसके लिए सावित्री बाई और उन्होंने ही डिस्पाइट ऑफ एवरी सोशल नॉर्म्स उन्होंने जो ज्योतिराव का फुनरल था उसको लिट किया या फिर अग्नि दी ठीक है अब यहां पे आप देखोगे कि इस समय भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है कि कोई वुमेन जो है वो अग्नि दे ठीक है उस टाइम पे आप देख सकते हो कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाके क्या किया सावित्री भाई ने यह कदम उठाया था तो इट वॉज द चैलेंज टूवर्ड्स द कास्ट सिस्टम एंड पेट्रियार तो यहां से हम अगर एथिकल वैल्यू को देखें तो जो क्या रहेगा हमारा क्या बोल सकते हैं इसको हम फ्रीडम या फिर साहस की बात कर सकते हैं ठीक है स्ट्रेंथ की बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ की कि वो पूरी सोसाइटी जो है उसके अगेंस्ट खड़ी होके उन्होंने अपना जो कर्तव्य था उसको किया आगे बढ़ते हैं इसके बाद में ही क्या हुआ ये सत्यशोधक समाज की चेयरपर्सन बन गई और उन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाया तो ये सब क्या थे उनके मेजर थे या फिर जो उन्होंने मेजर वर्क थे उनके वो हमने डिस्कस करे ठीक है इसमें हम सबसे पहले अगर एथिकल वैल्यूज देखें इनसे रिलेटेड तो आप देख सकते हो कि ये इक्वालिटी के खिलाफ थी ठीक है इक्वालिटी को सपोर्ट किया इनजस्टिस के खिलाफ थी ये साथ में ही अगर वैल्यूज की हम बात करते हैं तो वैल्यूज में आप देखेंगे क्या जाएगा ब्रदरहुड रैशनलिज्म एजुकेशन को प्रमोट करना ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करना ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने क्या किया सबसे बड़ा टूल जो था वो एजुकेशन को समझती थी फिर आगे बढ़ते हैं हम तो यहां पे इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो ये जो थी सावित्री भाई वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिश्ड वोमेन इन द मॉडर्न इंडिया इन्होंने ही ही साथ में ही क्या किया था मिशन अपने हस्बैंड के साथ में शुरू किया था कब 1854-55 में, इनका अगर हम देखते हैं जो uh. बुक्स वगैरह हैं ठीक है तो उसका नाम क्या था आप देखेंगे यहां पे काव्य फुले ठीक है इनकी पोएम्स का नाम जो था वो काव्य फुले था और भवन काशी सुबोध रत्नाकर जो है वो पब्लिश करी गई थी ये इनके लिटरेरी वर्क्स हैं ये जो है पोएम लिखती थी किसमें मराठी लैंग्वेज में तो ये याद रखना है शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएट ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें एज अ सोसाइटी में तो वो अगेंस्ट था किसके जेंडर इन जस्टिस के ठीक है साथ में ही हम देखेंगे कि जो भी सोसाइटी में अट्रॉसिटीज चल रही थी जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया सती हो गया विडो रीमैरिज हो गया इन सब के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी काम किया था तो यहां से हम देख सकते हैं कि इनके अगर वैल्यूज को देखें तो ह्यूमैनिज्म लिबर्टी इक्वालिटी ब्रदरहुड रैशनलिज्म ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी ठीक है ये जो है ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें अपने आंसर में लिखने हैं ठीक है इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन कैस किस तरह से है उससे हमें सावित्रीबाई बाई फुले को भी रिलेट करना है शी वॉज द फर्स्ट दलित वुमेन ठीक है जिन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसमें उनके नोटिस में आई थी ये फिर गो गेट एजुकेशन जो है उनकी पोयम थी जैसे हमने देखा कि ऊपर लिखा था कि जाओ जाकर पढ़ो ऐसा ठीक है वो उनकी पोयम जो थी उसको गो गेट एजुकेशन के नाम से जाना जाता था सावित्री बाई फोले की डेथ हो गई थी कब 1897 में टेंथ मार्च को तो ये भी क्या हुई डेथ उनकी तब हुई थी जब पुणे में हम देखते हैं कि प्लेग आ चुका था ठीक है तो प्लेग आ चुका था तो उसके बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था पूरा पेंडेमिक जो प्लेग था उसके लिए एक पूरा हॉस्पिटल वगैरह जो है अपने चिल्ड्रन जो उनका बेटा था यशवंत राव उसके साथ में स्टैब्लिश किया था तभी इनको भी क्या हो जाता है प्लेग हो जाता है जिसके कारण इनकी डेथ होती है ठीक इतना हमने अभी तक उनके बारे में पढ़ा अब आगे देखते हैं हम उनकी अगर टाइमलाइन को देखें तो टाइमलाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो 1831 में क्या होता है सावित्रीबाई बाई फोले का जन्म होगा शी वॉज बॉर्न एट नएगा ठीक है सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र 1840 में उनकी मैरिज होती है 1848 में क्या होता है वो फर्स्ट स्कूल जो है वो स्टैब्लिश करती हैं एटीन में फातिमा शेख के साथ में दलित के लिए स्कूल एस्टैब्लिश करती हैं 1852 में महिला सेवा मंडल जो है वो उसकी शुरुआत होती है 1854 में काव्य फोले जो उनकी बुक है पोयम की वो पब्लिश की जाती है 1873 सेवनटी थ्री में सत्यशोधक समाज जो है स्टैब्लिश होती है 1873 में ही यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट सत्योशोधक मैरिज जो है वो कराई जाती है 1890 में ज्योतिराव फोले की डेथ हो जाती है एटीन में ये एक क्लिनिक खोलती है जिसमें वो क्या करती हैं पूरे जो सोसाइटी है वो सफर कर रही थी बोमानिक प्लेग से तो उसके लिए ये हॉस्पिटल जो है वो क्लिनिक ओपन करते हैं और 1897 में ही सावित्री बाई फोले की डेथ हो जाती है तो यहां पे इतना जो है हमने कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा अब यहां पे आप इसको और देखिए कि इनके जो कोर्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि नॉलेज ऑलवेज डिमांड्स इंक्रीज इट इज लाइक फायर विच फर्स्ट बी काइंडल्ड विद द एक्सटर्नल एजेंट बट ऑलवेज आफ्टरवर्ड ऑलवेज प्रपोगेट इट सेल्फ इसी को अगर हम और भी देख सकते हैं तो यहां पे बोला जाता है कि अगर हम अपनी डिफिकल्टीज बढ़ाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी और बेटर होती जाती है अकॉर्डिंग टू सावित्री बाई फोले ठीक है कि आप परेशानियां हमारी बढ़ाते जाओगे हम और भी उससे बेहतर होते जाएंगे ठीक साथ में ही अगर आप देखोगे कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है ये किसने बोला है सावित्री बाई फोले ने बोला है तो इतना जो है आज हमने थिंकर्स में सावित्री बाई फुले के बारे में हमें पढ़ना था जिसमें हमने क्या किया उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देखे साथ में ही हमने क्या देखा कि उनकी टीचिंग्स के बारे में भी हमने पढ़ा और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एथिक्स में सावित्री बाई फोले जो है उनका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा ठीक सावित्री बाई फोले के बारे में अगर हम एज अ होल समरी में डिस्कस करें तो ये क्या थी फर्स्ट फीमेल टीचर थी इनका बर्थ जो है वो 1831 महाराष्ट्र में हुआ था इनकी जो मैरिज हो गई थी 1840 में ज्योतिबा फुले के साथ में ठीक है इन्होंने ही ज्योतिबा राव फुले ने ही क्या किया इनको पढ़ना और लिखना सिखाया था फिर इन्होंने स्कूल पहली ओपन करी एजुकेशन गर्ल्स का एजुकेशन प्रमोट किया ठीक है हमने स्टोरीज देखी कि यहाँ पे 1852 में जितनी अमाउंट ऑफ गर्ल्स मतलब जितना नंबर ऑफ गर्ल्स था वो टेन टाइम्स ज़्यादा था जितने गवर्नमेंट स्कूल में बॉयज़ अपर कास्ट के पढ़ते थे उनसे ठीक है तो एक ये, ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो सोसाइटी में लेके आए थे फिर इनकी ट्रेनिंग के बारे में हमने देखा कहां पे हुई थी ठीक है वो ट्रेनिंग जो है अहमदनगर में हुई थी और उनका जो है, वो, फरार जो है, वो बोला जाता है किस तरह से उन्होंने एक स्टैंड लिया अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदू और मुस्लिम ठीक है अब हिंदू और मुस्लिम दोनों जो थे कम्युनिटीज बड़ी इनके अगेंस्ट में खड़ी थी ठीक है इसके साथ में ही आप देखोगे कि ये चेयरपर्सन बनती है सत्यशोधक समाज की और इन्होंने ही क्या किया था क्लिनिक की स्टेब्लिशमेंट करी थी अपने बेटे के साथ मिलके ठीक है इनका बेटे जो थे वो डॉक्टर बन चुके थे फिर साथ में इनकी जो बुक्स थी वो उस पर क्वेश्चन बन सकता है वो हमने डिस्कस किया अब इनके टाइटल्स को अगर हम देखें तो इनको ही क्या बोला जाता है फोर रनर ऑफ मॉडर्न मराठी पोएट्री बोला जाता है क्योंकि ये पहली मराठी पोएट्री जो है इन्होंने लिखी थी ठीक है वुमेन की बात कर सकते हैं और साथ में ही इनको ही मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी बोला जाता है और फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ द कंट्री सावित्री बाई फुले को बोला जाएगा तो इतना जो है हमें सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ना है आज की जो सोसाइटी है उसमें सावित्री बाई फुले का क्या रेलेवेंस है ये भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें ये बताना है कि अब जो हम देख रहे हैं कि वुमेन की कंडीशन काफी इंक्रीज अच्छी हो चुकी है सोसाइटी में इस पोजीशन तक आने में काफी समय लगा था ठीक है इसकी शुरुआत जो कब हुई थी इसकी शुरुआत सावित्री भाई फोले ने करी थी कि वुमेन के को बढ़ावा देना वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना इसकी शुरुआत किसने करी थी सावित्री भाई फोले ने करी थी अब हम देख रहे हैं कि वुमेन की कंडीशन जो है देखते आए हुए हैं कि लेटर वेदिक काल से ही खराब हो चुकी थी ठीक है इतने टाइम में ही वुमेन की कंडीशन खराब थी पर अब जो है हमारी सोसाइटी काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है पर डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी है आपको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी ठीक है इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं कि उसमें भी लिखा है कि जो हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी के उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस इसलिए एडिट हैं तो ये सारी चीजों को अगर हम देखते जाएं तो सावित्रीबाई फुले को एज अ होल अगर हम डिस्कस करते हैं तो इन्होंने ही हमें इक्वालिटी ब्रदरहुड रैशनलिज्म एजुकेशन ह्यूमैनिज्म इन सब चीजों के बारे में क्या किया आगे बढ़ाया और देखते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो नींव है वो किसने रखी सावित्री बाई फुले ने रखी साथ में ही आप देखोगे कि इन्होंने और भी सोसाइटी के अगेंस्ट जो सोसाइटी में माल प्रैक्टिस चलती थी जैसे वुमेन फिटोसाइड वुमेन इन्फेंटिसाइड हो गया सती प्रथा हो गई ठीक है अब जहां ऐसा होता था कि वुमेन के बाल जो है वो काट दिए जाते थे तो इन्होंने एक और मूवमेंट चलाई जिसमें बाबर्स बावर, वगैरह भी इनके साथ में आए और इन्होंने जो विडो होती थी उनके बाल जो काटने की जो प्रथा थी उसको भी बंद कराया तो शी वॉज थिंकर सोशल वर्कर राइटर एंड फिलोसोफर ठीक है इन्होंने ही क्या किया एक पूरी मूवमेंट जो है वो बिल्ड करी जिससे इक्वालिटी लाने के लिए इन्होंने काम किया और शी वॉज अगेंस्ट द इनवालिटी एंड जेंडर बायसनेस Of तो इतना जो है हमें सावित्री बाई फोले के बारे में डिस्कस करना था अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा सोक्राट्स के बारे में सोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे रक्षा अकेडमी का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी जिसमें आप जाके देखोगे कि प्रिलिम्स के कोर्सेज में 254 फिफ्टी से ज़्यादा कोर्स हो चुका है हमारा इसमें ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी साथ में ही मेन्स के जो सारे कोर्स हैं वो सब्जेक्ट अपने में चल रहे हैं ठीक है एथिक्स के जो हैं हमने अभी क्या डिस्कस किया सावित्री बाई फूले को किया और न्यूली एडेड थिंकर्स जो हैं वो हम यूट्यूब पे कवर करेंगे साथ में ही बाकी के थिंकर्स जो हैं वो कवर करे जाएंगे किसमें एप्लीकेशन पे तो आप जाके कोर्स को विज़िट करें अच्छा लगे तो आप हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं जिसमें आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करेंगे सेपरेट जिससे आप सारे फैकल्टीज से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग जो चल रही है उसका भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं थैंक यू